यूट्यूब ऐप पर घंटी बजाओ और खबरें अभी तक की हर खबर की अपडेट पाओ। अब बात करते हैं सरकारी नौकरी में प्रमोशन को लेकर। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को एक बड़ा फैसला सुनाया है। मामले की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को एससी एसटी कर्मचारियों को प्रमोशन देने की इजाजत दे दी है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से कहा कि जब तक संविधान पीठ इस पर अंतिम फैसला नहीं ले लेती तब तक सरकार प्रमोशन में रिजर्वेशन कर सकती है। गौरतलब है कि एससी एसटी एक्ट में बदलाव के बाद घिरी मोदी सरकार को इस फैसले से बड़ी राहत मिल सकती है। सुप्रीम कोर्ट में सरकार का पक्ष रखते हुए एडिशनल सोलिसिटर जनरल मनविंदर सिंह ने कहा कि कर्मचारियों को प्रमोशन देना सरकार की जिम्मेदारी है। अलग अलग हाई कोर्ट के फैसलों के चलते ये प्रमोशन रुके हुए थे। कोर्ट ने बड़ा फैसला करते हुए अन्य सभी मुकदमों को एक साथ कर दिया है। अब इनकी सुनवाई संविधान पीठ ही करेगी। दरअसल नौकरियों में पदोन्नति पर आरक्षण को लेकर विभिन्न हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के आदेश के कारण कार्मिक विभाग ने 30 सितंबर 2016 को एक आदेश निकालकर सभी तरह की पदोन्नति पर रोक लगा दी थी। तब से प्रमोशन को लेकर परेशान कर्मचारी इधर से उधर भटक रहे हैं।